हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। स्मार्ट नौकरी में आपका यहाँ पे स्वागत है। स्मार्ट नौकरी चैनल आज आपके लिए कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 ऑनलाइन फॉर्म कंडक्टेड बाय लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो इसका यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो आप ये देख सकते हो कि मतलब देखा जाए तो अभी हर एक का मतलब एक एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आ जाएगा। ऑलरेडी इसका एग्ज़ाम डेट कुछ और था, बट पोस्टपोन करके कुछ अभी और रखा गया है। तो उसी का हम डेट को जानते हैं कि इसका क्या यहाँ पर डेट एग्जैक्ट है इस एग्ज़ाम का। तो उससे पहले जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ए टू जेड अपडेट्स प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलो हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं यहाँ पर। तो ये अप्लीकेशन बिगेन वगैरह, मतलब आपने फॉर्म वगैरह तो भर दिया, इस पर हमें कुछ देखना नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, आपका एग्ज़ाम रखा था 8 अप्रैल को, तो ये पोस्टपोन करके कभी रख दिया है अभी 22 अप्रैल को। अब आपका यहाँ पे एग्ज़ाम रख दिया गया है। रिजल्ट डिक्लेयर 10 से 15 मई को आपका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। काउंसलिंग बिगेन जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा आपका एग्ज़ाम डेट कभी से रख दिया गया है, 22 अप्रैल से। चलो हम इसकी ऑफिशियल साइट की जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है, जो नोटिस आया है, उस नोटिस में देखते हैं कि क्या लिखा है। तो आप देख सकते हो ये आपका नोटिस है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम 8 अप्रैल था, तो यहाँ पे पोस्टपोन करके रीशेड्यूल किया है 22 अप्रैल को, ठीक है। 22 अप्रैल 2020, मतलब अब आपका एग्ज़ाम होगा 22 अप्रैल को। अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, थोड़ा टाइम मिल गया अच्छे तरीके से। ये इंग्लिश में नोटिस है और ये आपका हिंदी लैंग्वेज का नोटिस है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। अगर कुछ भी डाउट्स होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो। अच्छे तरीके से जो पर्सन को नहीं पता कि उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ये नोटिस आज ही न्यू आया है यहाँ पे। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है और गौर करके अच्छे तरीके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।